वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन एमसीक्यू जो बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम रहेगा, और साथ ही साथ जो है वो सारे कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जितने भी पैरामेडिकल कैंडिडेट हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो सेशन जो रहेगा बायलिंगुअल रहेगा जो आपको स्पष्ट रूप से भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक ओवरहैंड स्टोरेज टैंक्स आर यूज्ड, मतलब कितने प्रकार के घरेलू ओवरहेड स्टोरेज टैंक का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है A1, B2, C3, D4। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, देखिए राइट आंसर बनेगा सी, मतलब थर्ड। थोड़ा सा इसको और बोल्डली कर देते हैं, राइट आंसर थर्ड। ठीक है, आगे चले। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर डन ड्यूरिंग क्लोनेशन ऑफ वेल एक्सेप्ट, मींस कुओं के क्लोनीकरण के दौरान निम्नलिखित में से सभी किए जाते हैं सिवाय इसको छोड़कर। ए ऑप्शन है पुट ब्लीचिंग पाउडर डायरेक्टली टू इन द वेल, मींस ब्लीचिंग पाउडर को सीधे कुएं में डालें। दूसरा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट पीरियड ऑफ 1 आवर, 1 घंटे की संपर्क अवधि। सी ऑप्शन है एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड, मतलब क्लोरीन की मांग का अनुमान। और डी ऑप्शन है एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब पानी की मात्रा का अनुमान। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, ए। इसका राइट आंसर ए। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। तो इस तरह से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बायलिंगुअल है, महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ले आता हूँ मैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द स्ट्रेनियर टाइप ट्यूबवेल इज अनसुटेबल फॉर, मतलब छलनी प्रकार का ट्यूबवेल किसके लिए अनुपयुक्त है। ए है कोर्स ग्रेवल, मतलब मोटे बजरी। बी है फाइन सैंडी लेयर, महीन रेतीले परत। सी है क्लीन ग्रेवल्स, साफ बजरी। और डी है कोर्स सैंडी, मतलब मोटे रेतीले इसके हिंदी हुआ। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, बी। राइट आंसर बी। ठीक है, ये आपका जो है एक तरह से स्टॉक बन रहा है जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है, मलेरिया इंस्पेक्टर, सेंट्री इंस्पेक्टर, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लीन लिक्विड डाइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ तरल आहार है। ए है टेंडर कोकोनट वाटर, नारियल का पानी। बी है थिक वेजिटेबल सूप, गाढ़ा सब्जी का सूप। सी है लस्सी। और डी है मिल्क। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, राइट आंसर बन रहा है, यस आप राइट हैं, राइट आंसर ए। ठीक है, राइट आंसर ए मींस टेंडर कोकोनट वाटर मींस नारियल का पानी। तो चार क्वेश्चन फिनिश हो गया, आगे हम लोग चलें पांच नंबर क्वेश्चन है डिजीज एक्वायर्स वाया ओरल रूट और ऑल एक्सेप्ट, मींस मौखिक मार्ग से होने वाले रोग को छोड़कर सभी हैं। ए है टाइफाइड जिसे हिंदी में आंत्र ज्वर कहते हैं। बी है कोलरा, हैजा। सी है एंथ्रैक्स, बिसहरिया। और डी है मलेरिया। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है लगता है कि मिस हो गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हम लोग देख लें क्या बन रहा है। तो निश्चित रूप से फाइव का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फाइव का आंसर डी मलेरिया।
आगे देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 यहाँ पर मिस हो गया है, तो आगे हम लोग हो सकता है कि आगे पीछे हो गया हो। डायरेक्ट हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट एयर पोल्यूशन इज, सबसे आम और व्यापक रूप से वितरित वायु प्रदूषण है, ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है लेंस और डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर इसका क्या बन रहा है? यस राइट आंसर इज ये बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है आगे चले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन एंड वाटर वेपर ट्रैप्स एट द लोअर लेवल ऑफ एटमोसफियर स्मॉग इज, मीन्स कहता है कि वायु प्रदूषण और जलवाष्प के वायुमंडलीय स्मोक के निम्न स्तर पर फंसने के लिए जिम्मेदार कारक है। ये ऑप्शन है लैक ऑफ एयर मूवमेंट, हवा की आवाजाही में कमी, बी है इंक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी आर्द्रता की वृद्धि, सी है टेम्परेचर इन्वर्सन तापमान का उल्टा और डी है हीट ब्लांट फिनोमिना हीट प्लांट की घटना। तो आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर जो बन रहा है वो बनेगा सी। ठीक है राइट आंसर सी। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर भी है। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल वी बर्न द इफिजी ऑफ रावणा हिज ब्रदर एंड हिज सन, निम्नलिखित में से किस त्यौहार पर हम रावण उसके भाई और उसके पुत्र का पुतले जलाते हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस हम लोग को नहीं करना है। आंसर हो गया बी दशहरा। ठीक है आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था 9, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आइडियली ग्रेवियार्ड्स एन एरिया ऑफ एटलीस्ट द ब्लैंक से मीटर स्क्वायर पर 10,000 पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड, मीन्स आदर्श रूप से कब्रिस्तानों में कम कितना वर्ग मीटर प्रति 10,000 आबादी का क्षेत्र आवश्यक है? ये ऑप्शन है 1500 मतलब 1500, बी है 2000, सी है 2500 और डी है 10,000। तो राइट आंसर इसका क्या बन रहा है? ए मीन्स 1500 इसका राइट आंसर ले रहे हैं। ठीक है राइट आंसर ये बन रहा है। ठीक है चलिए आगे चल रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर द ESI एक्ट और ऑल एक्सेप्ट, मतलब ESI अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी लाभ है कुछ छोड़कर, ए है मेडिकल बेनिफिट्स, बी है मैटरनिटी बेनिफिट्स, सी है डिपेंडेंट बेनिफिट्स और डी है डियरनेस अवेलनेस। तो क्या राइट होगा बोलिए? सबको छोड़कर, ठीक है ESI अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी लाभ है को छोड़कर, तो राइट आंसर तो इसका ये बन जाना चाहिए क्या? ये वाला बी। ठीक है 12 नंबर क्वेश्चन, बेस्ट कंट्रोल मेजर्स अवेलेबल टू कॉम्बैक्ट सिलिकोसिस इज, मीन्स सिलिकोसिस से निपटने के लिए सबसे अच्छा नियंत्रण उपाय उपलब्ध है। सिलिकोसिस डिजीज बोल सकते हैं, एडिक्वेट पर्सनल हाइजीनिक, पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता, रिप्लेसमेंट एग्जामिनेशन, विस्थापन परीक्षण, पीरियोडिक एक्सरे चेस्ट और राइगोरस डस्ट कंट्रोल मेजर। तो राइट आंसर क्या बन रहा है इसका? राइट आंसर बन रहा है डी। ठीक है राइट आंसर डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 प्रिसीजन वर्क फॉर ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में रिक्वायर इन द ब्लैंक्स फुट कैंडल्स, मीन्स सटीक कार्य के उच्च स्तर सटीकता के लिए फिर इन द ब्लैंक से खाद मोमबत्तियों की आवश्यकता हो सकती है, ए है 25 से 50, बी है 50 से 75, सी है 75 से 100 और डी है 100 से 150। तो राइट आंसर क्या बन रहा है? यस बी बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 14 क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ऑर्डिनली पीरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर इन एंड इंडस्ट्रीज इट डन एवरी, मीन्स किसी उद्योग में श्रमिक की समानता आवधिक जांच की जाती है प्रति ए डे मतलब दिन पर, बी मंथ महीना, सी ईयर और डी फाइव ईयर। तो राइट आंसर इसका क्या बन रहा है, ईयरली। ठीक है, ईयरली। आगे देखें, टोटल क्वेश्चन हो गया 14 कंप्लीट। और 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंसेक्टिसाइड इज कॉमनली यूज एज ए अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक आमतौर पर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे के रूप में उपयोग किया जाता है, मेलाथियोन, डाइक्लोरो डिपेनिल, ट्राइक्लोरोथेन, सी ऑप्शन अबाउट और डी है फेंथियोन। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, ए मेलाथियोन। ठीक है, राइट आंसर। आगे चले 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एंटी लार्वा मेजर्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी लार्वा विरोधी उपाय हैं को छोड़कर, प्यूथ्रेम, बी है गैम्बुसिया फिशेस, सी है पेरिस ग्रीन और डी है इंटरमीडिएट इरिगेशन। तो राइट आंसर भी क्या होना चाहिए, सी। राइट आंसर क्या है, सी पेरिस ग्रीन। चलिए आगे चलते हैं, सब स्टॉक है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, आगे चलकर आपको इसके बाद तो समझ में आएगा जब आप एग्जाम दोगे। अब जब आप एग्जाम दोगे तब आपको समझ में आएगा कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन मैं अभी आपको डील कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग जे सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, निम्नलिखित में क्या शिक्षण की सामाजिक विधि है, लेक्चर, बी एग्जामिनेशन, सी है फिल्म्स और डी है पैनल डिस्कशन। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, पैनल डिस्कशन। आगे चलें 18 नंबर क्वेश्चन पे, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 18 नंबर कह रहा है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। ठीक है, 10 से पीड़ित बच्चों की स्थिति क्या है, दे सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, दे सफर फ्रॉम हाई फीवर, दे स्टार्ट कफली रेगुलरली और दे स्टार्ट पेन इन चेस्ट। तो राइट आंसर क्या बन रहा है बोलिए, 100% सही है, आंसर ए, राइट आंसर ए। आगे 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन है देखें इसे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट्स ऑफ सिगरेट स्मोक पर डिस्पोजेज टू लंग कैंसर, सिगरेट के धुएं का निम्नलिखित में से कौन सा घटक फेफड़े के कैंसर का कारण बनता है, चार ऑप्शन है ए निकोटीन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है टार और डी है नाइट्रोसैमीन। तो 100% आप क्या है, 100% आप सही हैं, इसका है निकोटीन जो है वो कैंसर होगा, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, आंसर सी है लेकिन ये गलत होना चाहिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है देख लीजिए, व्हाट आर फ्लोइंग आर एस्पोरिसाइडल एक्सेप्ट, मीन्स सिवाय इसके कि एस्पोरिसाइडल निम्नलिखित हैं, ग्लूटोरीडिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और अल्कोहल। तो राइट आंसर क्या बन रहा है, ए, राइट आंसर बन रहा है ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है बताएं इसे, राइट आंसर बन रहा है ए। 20 यहाँ कंप्लीट हुआ, 21 नंबर के स्किन पर ये लीजिए आ गया, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ सेकंड डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है, ए वाटर पानी, बी है पुट आइस ऑन द बर्न मींस जले पर बर्फ लगाएं, सी है पुट आइस ऑन द होल बॉडी पूरे शरीर पर बर्फ लगाएं और डी है पुट एलोवेरा लोशन ऑन इट मींस उस पर एलोवेरा लोशन लगाएं। तो राइट क्या बनेगा देखिए, कुछ क्वेश्चन जो था ये यहां पर लगा है और इसका तो हम लोग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन भी देख लिए हम लोग, 21 नंबर क्वेश्चन में ना, 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, टेस्ट ऑप्शन दे रहा है क्या, देख लीजिए दे रहा है ए,
22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड? ए ऑप्शन बी ब्रेथ विथ ए स्टिक, ए ब्रेक इन योर लेग, ए बर्न बाय लिक्विड ऑन अ गैस, ए बर्न बाय फायर। तो राइट आंसर क्या आ रहा है? नहीं, आंसर है सी, ए बर्न बाय लिक्विड ऑन गैस, गैस पर तरल द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज इट कॉल्ड? नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर व्हाट डू यू हैव टू डन व्हेन ए पैसेंजर हैज नो ब्रीथिंग? जब एक यात्री के पास कोई सांस नहीं है तो आप क्या करना होगा, मतलब सांस नहीं ले पा रहे हो? स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली, सीपीआर तुरंत शुरू करें, रिकवरी पोजीशन, पीड़ित को वसूली की स्थिति में रखें, सी है काउंट पल्सेशन मींस धड़कने के, और डी है कंटिन्यू विद द ब्रीथिंग, श्वास की जांच जारी रखें। चार ऑप्शन है, जो बन रहा है ए। सीपीआर डेटली, सीपीआर को तुरंत शुरू करें, ये जो है राइट आंसर है इसका। चलिए नंबर 24, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ट्रू अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज? निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास के महत्व के बारे में सच नहीं है? लूज वेट, वजन कम करना लूज वेट है, आगे है लॉस वेट बोल सकते हैं इसे, लेकिन लूज वेट है, लोअर रिस्क ऑफ डिजीज, बीमारियों का खतरा कम, इंप्रूव्स फिजिकल एक्टिविटी, शरीर की स्थिति में सुधार करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ गुड रूप से। तो 100% फिलहाल में आपका आंसर बन रहा है। चलिए 24 और 5, ये क्वेश्चन तो कुछ जानदार नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स एटलीस्ट वन वास्तित, ये सेंट्री इंस्पेक्टर का कुछ ज़्यादा ही है, तो इस तरह कंप्लीट हुआ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, जो कि हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो जरूर आप इसे पूरे वीडियो देखें और समझें।